हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मार्क टू फॉर्टी सेवन आई होप यू आर एन्जॉइंग गुड हेल्थ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अनसर्टेन पर्सन वाला पजल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट हुआ कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम लेवल वाले वीडियोज़ मिलते हैं तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन यानी सर्टेन नंबर ऑफ पीपल है जो कि साउथ की तरफ देख रहे हैं तो यह है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ इधर है इसलिए वो लोग नीचे देखेंगे चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे है पी right Q, Q सिट्स में पी है तो क्यू को यहां लिख दिए उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ में पी हो जाएगा देखिए क्यू का राइट इधर होगा क्योंकि क्यू नीचे देख रहा है तो राइट इधर होगा राइट इधर होगा, राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा इसलिए क्यू के राइट में फिफ्थ राइट में फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट फिफ्थ राइट में क्या हो जाएगा पी हो जाएगा अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं ओनली टू पर्सन ओनली टू पीपल सिट बिटवीन पी एंड आर तो पी और आर के बीच में केवल दो लोग बैठे हुए हैं तो एक दो यहां पे आर लिख देंगे देखिए यहां पे दो कंडीशन बन जा रहा है क्योंकि पी और आर के बीच में दो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है इसलिए एक और कंडीशन फटाफट हम लोग बना लेते हैं तो एक और कंडीशन बना लिए और पी और आर के बीच में दो को बैठा देते हैं आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आर सीट सेकेंड फ्रॉम फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड यानी आर जो है वो वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड यानी एक एंड से सेकेंड में बैठा हुआ है तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे तो सेकेंड में बैठा नहीं पाएंगे इसलिए ये कंडीशन मेरा गलत हो जाएगा यहाँ पे हम लोग बैठा सकते हैं देखिए फर्स्ट मान लेते हैं कि ये इंड होगा तो फर्स्ट में ये कोई बैठेगा यहाँ पे और सेकेंड में आर हो गया चलिए अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे कह रहा है ओनली फाइव पीपल सिट बिटवीन आर एंड एस यानी आर और एस के बीच में पाँच लोग बैठेंगे तो एक दो तीन चार पाँच तो यहाँ पर एस को डाल देते हैं अब आगे कह रहा है कि टी सिट्स एट टू द लेफ्ट ऑफ एस यानी टी जो है वो एस के लेफ्ट में एट्थ लेफ़्ट में बैठा हुआ है तो एस यहाँ है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ में टी बैठा हुआ है अब आगे कह रहा है कि एज़ मैनी पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड टी एज यू एंड टी यानी क्यू और टी के बीच में जितने लोग हैं उतना ही यू और टी के बीच में लोग हैं तो इसको हम लोग सेम लिख लिए यानी कि क्यू और टी के बीच में कितना हो गया एक दो तीन चार पाँच तो टी और यू के बीच में भी पाँच होगा तो इधर ही होगा इधर तो होगा नहीं तो एक दो तीन चार पाँच तो यहाँ पे यू डाल दिए आगे कह रहा है कि ओनली टू पीपल से टू द लेफ्ट ऑफ यू यानी यू यहाँ है लेफ्ट इधर होगा तो टू पीपल ही बैठे हुए हैं तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इतने ही लोगों का अरेंजमेंट दिया हुआ था इतना सॉल्व हो गया चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो कितने पर्सन रो में बैठे हुए हैं तो चलिए काउंट करते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस यानी टोटल चौबीस पर्सन बैठे हुए हैं ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया अगला क्वेश्चन है हो सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू यानी कि क्यू के सेकेंड टू द राइट में कौन बैठा है तो क्यू यहाँ है नीचे देख रहा है तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट तो क्यू के सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है एस बैठा हुआ है तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो जाएगा सी यानी कि एस क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो जाएगा एस तो इस तरह आप बाकी क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ आप खुद से सॉल्व कीजिए आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्ज़ाम में आते ही आते हैं क्लर्क लेवल का एक क्वेश्चन था ये तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह का एग्जाम लेवल वीडियोज़ पाने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग